हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वन आज के इस सेशन में हम प्रॉब्लम uh, देखने से पहले एक और बा एक और बार मैं आपको दोहराऊंगा कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में कौन से रिशोज पॉजिटिव है और कौन से रिशोज नेगेटिव है ये आपको पता होनी चाहिए ओके सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम फ्रॉम दिस अगर आपके पास इफ दिस इज द गिवन डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज वॉट गिवन ये गिवन है एंड ए एंड बी आर द एंगल्स इन द सेकेंड क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट मीन ए एंड बी एंगल्स है और हमें फाइंड आउट करना है फोर कॉस ए प्लस थ्री कॉस बी इक्वल टू माइनस फाइव प्रूव दैट करना है प्रूव करना है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड लाना है तो अभी पहले तो फिलहाल मैं क्या करूंगा दिस इज द थ्री रेशोज थे ये तीन रेशोज इक्वल है यहाँ से मैं यहाँ पर साइ ने अपॉन थ्री इज इक्वल टू वन अपान फाइव लिख सकता हूँ एंड दूसरा क्या लिख सकता हो बच्चों साइन b अपन फोर इक्वल टू वन अपन फाइव लिख सकता हूँ ओके ये थ्री डिवाइड है तो वहाँ पर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो गए साइन ए की वैल्यू आएगी थ्री बाई फाइव एंड यहाँ पर साइन b इक्वल टू कितना आएगा बच्चों बोलो फोर वहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे तो फोर इंटू वन फोर बाय फाइव सो वी हैव वैल्यूज़ फॉर साइन ए एंड साइन बी इज़ दैट क्लियर टू यू अभी स्टार्ट कहाँ से करें हम बोलेंगे अगर मेरे पास साइन ए और मुझे फाइंड आउट करना है कौन से तो कैसे फाइंड आउट करें हमारे पास है कितने आइडेंटिटी है बच्चों तीन आइडेंटिटी है इनमें से फर्स्ट आइडेंटिटी हमको हमें यहां पर यूज करनी है तो यहां पर मैं वैल्यू so, यहाँ पर डाल दी मैंने थ्री बाय फाइव द होल ब्रैकेट स्क्र सो वन माइनस ए होगी नाइन ट्वेंटी फाइव करेक्ट ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ट्वेंटी होगी ट्वेंटी ये कैलकुलेशन आप लो अच्छे से ओके तो अभी थोड़ा आगे चलता हूँ मैं आप भी देख लो कैसे करना है ये प्रूफ क्या करना है इसको मैं थोड़ा रफ करवा देता हूँ अभी फिलहाल तो तो कॉस्क्वेरे इक्वल टू कितना आएगा बच्चों बोलो कॉस्क्वेरे इक्वल टू आएगा सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी फाइव नाउ टेकिंग स्क्र रूट ऑन बोथ साइड कॉस स्क्र ए का स्क्रूट आएगा कॉस ए सिक्सटीन अपॉन फोर्टी बाई का स्क्वेयर रूट आएगा फोर अपॉन फाइव यानी कि यहाँ पर आएगा प्लस माइनस बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ हम लिखते हैं बट ए लाइज इन विच क्वार बोला है हमने ए लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट बोला है उन्होंने तो दिस इज द गिवन वन सेकेंड क्वारंट में ए तो एज होता है, तो है, है फिलहाल ओके ये तो आपको पता है तो अभी साइन ए मालूम था तो कॉस से निकाला एंड विच वैल्यू नो साइन बी इज गिवन साइन बी इज वॉट फोर बाई फाइव तो यहां पर मैं लिखूंगा वी फिर से एक बार साइन बी से अभी कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों कॉस बी ही निकाल सकते हैं एंगल डिफरेंट है ये ए एंगल था दिस इज बी एंगल तो अभी फॉर्मूला थोड़ा हमारे हिसाब से चेंज करना पड़ेगा बच्चों तो क्या फॉर्मूला करेंगे कॉस स्क्वेयर बी इक्वल टू वन माइनस होगा साइन स्क्वेयर बी सो दिस इज वन माइनस साइन स्क्र बी इज फोर बाय फाइव द होल ब्रैकेट स्क्वेयर सो वन माइनस ये होगा सिक्सटीन बाई ट्वेंटी फाइव इसमें करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ओके तो अभी थोड़ा इसको फिर से लिखेंगे दिस इज इक्वल टू सिक्सटीन माइनस सॉरी 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 ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन डिवाइड बाई कितना होगा बच्चों ट्वेंटी फाइव ये होगा नाइन अपॉन ट्वेंटी फाइव दिस इज कॉस बी इक्वल टू बी अल्सो सेकेंड quadrant में है अगर बी बी सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस रेशियो होता है बच्चों नेगेटिव तो यहाँ पर लिखूंगा माइनस थ्री बाई फाइव ओके तो ये कॉस बी की वैल्यू आ गई है मुझे नाव हम क्या करेंगे कंसीडर करेंगे अभी लेफ्ट हैंड साइड को हमें जो पूछा गया है दैट में एल एच एस इक्वल टू क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड फोर कॉस ए प्लस थ्री कॉस बी फोर कॉस ए प्लस थ्री कॉस बी तो लिख लिया है मैंने दिस इज इक्वल टू अभी इसमें वैल्यू सिर्फ पुट करनी है तो फोर इन ब्रैकेट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस ए बच्चों कॉस ए इज माइनस फोर बाई फाइव प्लस थ्री इंटू कॉस बी इज माइनस थ्री बाय फाइव सो दिस इज माइनस सिक्सटीन बाय फाइव माइनस नाइन बाय फाइव ओके अभी क्या होगा देखो फोर इंटू माइनस फोर माइनस सिक्सटीन अपन फाइव प्लस माइनस माइनस थ्री थ्री जार नाइन अपॉन फाइव समझ में आ रहा है आपको डिनोमिनेटर जब सेम होता है एक ही बार लिखा जाता है ऊपर क्या होता है माइनस सिक्सटीन माइनस नाइन अगर दोनों को सेम साइन होगा तो होता है एडिशन सिक्सटीन माइनस नाइन सिक्सटीन नाइन होता है ट्वेंटी फाइव लेकिन सब्ट्रैक्शन का माइनस का ही साइन आएगा डिवाइड बाई फाइव 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 आर ट्वेंटी फाइव दिस इज माइनस फाइव एंड माइनस फाइव इज नथिंग बट द राइट हैंड साइड यही है हमारी राइट हैंड साइड हैव अ लुक एक बार अच्छे से देख लो समझो और फिर चलेंगे हम आगे की प्रॉब्लम की तरफ ओके तो बच्चों चलते हैं ना आगे नेक्स्ट वाला जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से देखेंगे ठीक है तो इसको मैं अभी रफ करवा देता हूँ आज के प्रॉब्लम की खासियत आपको पता चल गई है क्या बोलो क्या डिफरेंस है कल तक हमने जो प्रॉब्लम देखे थे वहाँ पर एक ही रेशियो हमें पता था और बाकी के रेशोज़ हम फाइंड आउट कर रहे थे एक ही एंगल के लिए आज ये जो प्रॉब्लम देखने वाले देख रहे हैं हम वहाँ पर दो रेशोज़ हमें पता है फॉर अ डिफरेंट एंगल और बाकी कुछ तो प्रू दैट है कुछ वैल्यू फाइंड करना है ऐसे हमें पूछा गया है तो ये एक और प्रॉब्लम मैं लेता हूँ तो अभी आपको पता चल जाएगा तो क्या करना है आगे तो यहाँ पर एफ बोला है उन्होंने टू साइने इक्वल टू तो वन इक्वल टू तो रूट टू इंटू कॉस ऑफ बी बोला है ओके टू साइने इक्वल टू तो वन इक्वल टू तो रूट टू इंटू कॉस ऑफ बी ठीक है ना फिर एंड कैपिटल ए जो दिया है ग्रेटर दैन पाए बाय टू लेस दैन पाए बोला है फिर कैपिटल बी एंगल बी लाइज इन थ्री पाए बाई टू लेस दैन टू पाए बोला है तो हमें क्या करना है फाइंड करनी है वैल्यू वैल्यू ऑफ कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है देखो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी ओके टेन ए प्लस टेन बी अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है ना बच्चों तो अभी स्टार्ट कहाँ से करें हमारे पास टू साइन एक्वल टू वन है इज इक्वल टू रूट टू कॉस बी है तो इससे क्या पता चलेगा हमें जो पता चलेगा ना तो फाइंड आउट करते हैं ये प्रॉब्लम लिख लिया आपने अभी मैं इसको थोड़ा यहाँ से ही उठाऊंगा और फिर लिखूंगा गिवन क्या है हमारे पास ये तीनों इक्वल है इसका एक ही मीनिंग होता है टू साइने की वैल्यू होगी वन एंड वन इक्वल टू होगा रूट टू कॉस ऑफ बी ओके इतना लिख लिया मैंने इसका मतलब होता है साइन ए इक्वल टू वन बाई कितना होगा रे टू एंड न अपॉन रूट टू इक्वल टू होगा कॉस ऑफ बी यानी कि रूट टू को डिवाइड कर दिया ठीक है हमारे पास साइने हमारे पास कॉस बी है अभी साइन ए से हम हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है कॉस ए फाइंड करना है उसके बाद टेन बी टेन ए बी फाइंड आउट करना है फॉर द एंगल ए का ए के बारे में हम सोचेंगे फिर एंगल बी के बारे में सोचेंगे एक साथ दोनों एंगल्स के बारे में सोचना ही नहीं बच्चों तो पहले तो साइन एक इज इक्वल टू वन बाई टू है ना तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वी है कॉस स्क्र एक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वेयेर ऐसे लिखा मैंने तो वन माइनस साइन ए की वैल्यू वन बाई टू उसका हो जाएगा स्क्वेयर ये वन बाई टू का स्क्वेयर होता है वन बाय फोर होता है कि नहीं बच्चों देख लो क्रॉस कर दिया मल्टीप्लीकेशन फोर माइनस वन अपॉन फोर फोर माइनस वन होगा थ्री बाय फोर एंड दिस इज़ वॉट कॉस स्क्वेयेर ए तो कॉस् ए की वैल्यू आ गई है मेरी थ्री बाय फोर इज दैट क्लियर अप टू दिस यहाँ तक सबको क्लियर है ये एंगल पाई बाई टू एंड पाए के बीच यानी कि फॉर द सेकेंड क्वार्टर में एंगल ए एंड थर्ड क्वार्टर में थर्ड क्वार्टर में नहीं फोर्थ क्वार्टर में सर फोर्थ क्वार्टर में ओके okay? तो अभी फिलहाल तो मैं देख ही लेता हूँ एंगल ए फर् सेकेंड क्वार्टर में तो यहाँ पर टेकिंग स्क्र रूट कॉस ए इक्वल टू कितना आएगा बच्चों प्लस माइनस थ्री का स्क्वेयर रूट आएगा रूट थ्री बाय टू आएगा ठीक है बट लिखा जाएगा ए का कहाँ पर है ग्रेटर दैन पाई बाय टू है लेस दैन पाई है इसका ए की मतलब होता है ए लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट ए अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है बच्चों तो इसका मतलब क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में तो ए होता है नेगेटिव तो ये मैंने माइनस रूट थ्री बाय टू लिख दिया अब मेरे पास साइन ए की वैल्यू है वन बाई टू ए की वैल्यू है माइनस रूट थ्री बाय टू तो टेन ए को निकालने में के क्या जाता है टैने तो सिंपली निकाला जाएगा टैने का मतलब होगा साइने अपॉन कॉसे तो बोलो साइने की वैल्यू है मेरे पास वन बाई टू न्यूमरेटर में और डिनाइटर में है माइनस रूट थ्री बाई टू तो अभी टू टू तो कैंसिल होगा बच्चों तो टैने इज इक्वल टू आएगा माइनस वन बाय रूट थ्री तो चलो इस तरह से हमारी जर्नी यहाँ पर एंगल ए की कंप्लीट हुई है अब ए, आ, आ, हम एंगल बी के बारे में सोचते हैं बच्चों ओके टेन बी चाहिए और कॉस बी चाहिए ओके अभी थोड़ा सोचो और बताओ मुझे अगर मेरे पास कॉस बी की वैल्यू है कॉस बी इक्वल टू कितनी है वन बाय रूट टू और मुझे क्या फाइंड आउट करना है सिर्फ टैन बी फाइंड करना यानी कि कॉस बी के बाद डायरेक्टली टेन बी कैसे निकाला जाए क्योंकि साइन बी की जो तो ज़रूरत नहीं है यहाँ पर तो मैं यहाँ पर सेक बी निकालता हूँ बच्चों सेक बी का मतलब होता है वन अपॉन कॉस बी होता है कि नहीं सेक का रेसी प्रोकोल तो ये वन अपॉन वन बाय रूट टू का मतलब हो जाएगा रूट टू तो सेक बी मिल गया ना तो चलो सेक बी अगर रूट बी है तो वी हैव कौन सी आइडेंटिटी है हमारे पास तो वन प्लस टैन स्क्वेयर बी इक्वल टू होगा सेक स्क्र बी तो इसका मतलब क्या हो जाता है बच्चों टैन स्क्वेयर बी इक्वल टू से स्क्वेयर बी प्लस वन इधर आया तो माइनस वन तो टेन स्क्वायर बी इक्वल टू से बी की वैल्यू यहाँ पर रूट टू का स्क्वायर माइनस वन यानी कि टू माइनस वन आएगा वन तो ये टेन स्क्वायेयर बी इक्वल टू आएगा वन नाउ टेकिंग स्क्र रूट ऑन बोथ साइड टेन बी इक्वल टू प्लस माइनस वन यहाँ तक सब ठीक है बच्चों परफेक्ट है यहाँ तक टेन बी की वैल्यू प्लस माइनस वन बट बोला था ना उन्होंने एंगल बी कहाँ पर है ग्रेटर दैन थ्री पाई बाय टू एंड लेस दैन टू पाई बोला है यानी कि बी लाइज इन डायरेक्टली कौन सा क्वाड्रेंट है अभी लास्ट वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है तो टेन बी फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है फोर्थ में तो पॉजिटिव होता है कॉस रेशो तो टेन बी हंड्रेड परसेंट निगेटिव होना चाहिए तो टेन बी की वैल्यू मिल गई मुझे माइनस वन तो चलो बच्चों अभी साइन ए पता था तो उसके ऊपर से कॉस ए निकाला कॉस ए की ज़रूरत ही थी और साइन ए कॉस ए को यूज़ करके टेन ए को निकाला मैंने माइनस वन बाय रूट थ्री फिर हमें कॉस बी की ज़रूरत थी तो कॉस बी तो डायरेक्टली मिला था फिर हमें टेन बी निकालना था ओके अब ये वैल्यू एक बार आप देख लो अच्छे से बच्चों क्योंकि मुझे फ़ाइनलाइज करना है इस प्रॉब्लम को इस आंसर को ठीक है तभी तो, तो ये यहाँ से मैं रफ करवा देता हूँ क्योंकि मुझे जो वैल्यू चाहिए वो टेन ए मुझे मिला है टेन बी मुझे मिला है कॉस ए की वैल्यू पता है कॉस बी की भी वैल्यू पता है वहाँ पर ओके तो अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पर प्रॉब्लम में जो पूछा गया है इसको यहाँ पर लिख लूँगा ठीक है दिस इज़ द एल एच एस ओके एल एच एस सो कंसीडर क्या बोला है उन्होंने ओके टेन ए प्लस टेन बी बच्चों देखो डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस कॉस ऑफ बी दिस इज द प्रॉब्लम ओके ये प्रॉब्लम देखने के बाद यहाँ पर अभी फूट करेंगे वैल्यूज कौन कौन सी वैल्यू पता है बोलो देखो टेन ए की वैल्यू है माइनस वन बाय रूट थ्री जैसे है वैसे डाल दो प्लस टेन बी की वैल्यू है माइनस वन तो ब्रैकेट डाल के डिवाइड बाय कॉस ए की वैल्यू कितनी है कॉस ए कॉस ए आया है माइनस रूट थ्री बाय टू जैसे है वैसे ही रहने दो बच्चों माइनस कॉस बी की कितनी वैल्यू है वन बाय रूट टू ओके तो इसको ज़्यादा ये करने की जरूरत नहीं प्लस माइनस माइनस वन डिवाइड बाय माइनस ओके यहाँ पर आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो तो कर लो ना बच्चों क्या प्रॉब्लम है माइनस वन माइनस रूट थ्री हो जाएगा डिवाइड बाय कितना रहेगा रूट थ्री ठीक है ये रूट थ्री इंटू रूट टू कितना होगा रूट सिक्स माइनस कितना होगा ये टू डिवाइड बाय कितना होगा टू रूट टू तो, बस अब क्या हो सकता है ये से माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये वन प्लस रूट थ्री आएगा डिवाइड बाय रूट थ्री ओके मल्टीप्लाई करते ये ऊपर चला जाएगा टू रूट टू डिवाइड बाय कितना आएगा माइनस साइन कॉमन है तो रूट सिक्स ओके okay, प्लस टू तो यहाँ से ये माइनस ओके okay? ये और अगर मैं कॉमन लेता यहाँ से भी यहाँ से भी रूट टू कामन लेता मैं तो अंदर क्या रहता बच्चों रूट थ्री प्लस वन ओके okay? तो ये वाली टर्म ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी ये वाली टर्म ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी ये माइनस माइनस तो कैंसिल होगा तो आंसर आएगा टू अप ऑन कितना आएगा बच्चों ये टू और डिनोमिनेटर में बच गया रूट थ्री तो टू अप रूट थ्री विल बी द फाइनल आंसर दिस विल बी द फाइनल आंसर एक बार अच्छे से देख लो ओके यहाँ पर जो कॉमन लिया ना रूट सिक्स में थ्री इंटू टू होता है ना तो रूट टू कॉमन लेने से ओके नहीं 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 थोड़ा गड़बड़ किया हमने यहाँ पर ऐसे नहीं होगा सर यहाँ पर रूट थ्री प्लस वन नहीं आएगा ये रूट टू कॉमन आया ना तो ये ऐसे नहीं होगा फिर सॉरी बच्चों ये ऐसे नहीं हो सकता है ऐसे ही रखना पड़ेगा माइनस साइन कॉमन लिया वन प्लस रूट थ्री डिवाइड बाय रूट थ्री है मल्टीप्लाई करते हैं टू रूट टू डिवाइड बाय माइनस साइन कॉमन ले लिया तो रूट सिक्स प्लस कितना है ये टू ओके टू तो कॉमन नहीं आ सकता सो सब कीपेजिटीज़ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ये टू रूट टू को आगे लिखो ब्रैकेट में लिखो वन प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाय रूट थ्री बाहर है और ब्रैकेट में रहेगा टू प्लस रूट सिक्स लिखो टू प्लस रूट सिक्स एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है बच्चों की पैजिटि रैशनलाइजेज रैशनलाइज कर सकते लेकिन उससे मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा कुछ आंसर आएगा सो so, की पैजिटि यही आंसर रहना चाहिए ओके तो अभी ये सेकेंड प्रॉब्लम था आपको शायद समझ आ गया होगा और ये समझने के बाद अभी एक और प्रॉब्लम है हमारे पास वो मैं लूँगा और फिर एक प्रॉब्लम हमेशा की तरह आपके लिए होगा ओके okay, आप ट्राई करोगे इसको मैं थोड़ा रफ करवा देता हूँ अभी ये अच्छे से देख लो परफेक्टली और यही आंसर है एक्सरसाइज आप देख लो 2.2 में से पहला प्रॉब्लम था ओके और एक प्रॉब्लम लेता हूँ मैं एफ टेन थीटा की वैल्यू उन्होंने दी है वन पॉइंट टू और इवैल्यूएट करना है इवैल्यूएट यानी कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है कौन सी टू साइन थीटा प्लस थ्री कॉस थीटा डिवाइडेड बाय फोर कॉस थीटा दिवागे 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 दिवाग प्लस थ्री साइन थीटा दिस विल बी द प्रॉब्लम ओके ये प्रॉब्लम है हमारे पास ए ये आप बोलोगे सर वही प्रॉब्लम है एक रेशो दिया है बाकी रेशो फाइन करने तो आप बोलोगे टैंथीटा के ऊपर से फिर बाद में हमें साइन एंड कॉस भी निकालना पड़ेगा और उसकी वैल्यूज फुट करनी पड़ेगी लेकिन मैं अपना दिमाग चलाने वाला हूँ बच्चों क्या करने वाला हूँ देखो दिस इज वॉट गी वन क्या है टैंथीटा कितना है वन बाई फिर मैं करूँगा कंसिडर क्या बोला है उन्होंने टू साइंथीटा प्लस कितना है थ्री कॉस्थीटा डिवाइडेड बाय फोर कॉस्थीटा प्लस कितना है थ्री साइंथीटा अभी मैं एक चीज़ करता हूँ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनिनेटर को मैं कॉस्तीटा से डिवाइड करूँगा अगर न्यूमरेटर को भी जिस चीज़ से डिवाइड किया है वही डिनामिनेटर से डिवाइड किया तो कुछ नहीं होता है ना चलता है ना ऐसे तो चलता है ना टू साइंथीटा प्लस थ्री कॉस्तीटा डिवाइडेड बाय कॉस्थिटा होगा बच्चों अगेन फोर कॉस्टा प्लस थ्री थीटा डिवाइडेड बाय थीटा होगा ओके सो दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू बेस को कर दो सेपरेट तो बेस सेपरेट होने पर क्या हो सकता है टू थीटा अपॉन देखो हाँ अच्छे से नहीं समझा तो दोबारा समझाऊंगा टू साइंथीटा अपॉन थीटा प्लस यहाँ पर होगा थ्री कॉस्टा अपॉन कॉस्टा ओके बेस सेपरेट कर दिया यहाँ पर भी बेस को सेपरेट कर दो तो ये फोर अपॉन हो जाएगा कॉस्टा प्लस यहाँ पर हो जाएगा थ्री साइन थीटा अपॉन हो जाएगा कॉस्थीटा ओके इससे क्या होगा बच्चों ये कॉस्टा कॉसिटा 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 तो चला जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा ओके okay, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया अभी ओके okay, यहाँ पर जाने के बाद दिस इज इक्वल टू ये टू है साइन अपॉन कॉस क्या होता है सबको पता है टैन थीटा होता है ये बच गया है थ्री डिवाइडेड बाय बच्चों ये फोर बचा है यहाँ पर प्लस ये है थ्री टैन थीटा और आगे क्या करें अभी आप समझ रहे हो कि मैंने tan थीटा इक्वल टू वन बाई टू दिया तो उसको वैसे ही रखा है और इस प्रॉब्लम में न्यूमरेटर डिनट को cos थीटा से क्यों डिवाइड किया क्योंकि sin अप ऑन होता है tan तो इसीलिए न्यूमेरेटर डिनट को cos से डिवाइड करने के बाद ये जो प्रॉब्लम तैयार हुआ है इस प्रॉब्लम में मुझे सिर्फ tan थीटा की ज़रूरत है और tan थीटा ऑलरेडी मेरे पास है वन बाई टू डाल दिया प्लस थ्री डिवाइड बाई फोर प्लस थ्री इन ब्रैकेट यहाँ पर डालूंगा वन बाई टू ये टू टू तो कैंसिल हो सकता है तो कर दो कैंसिल तो ऊपर रहेगा वन प्लस थ्री डिनार्ट में फोर प्लस ये कितना है बच्चों थ्री बाय टू तो ऊपर है फोर नीचे तो पर फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो फोर टू जार एट प्लस थ्री डिवाइड बाय टू तो ये फोर डिवाइड बाय इलेवन बाय टू तो इसका मतलब होगा फोर मल्टीप्लाइड बाय टू ऊपर चला जाएगा इलेवन नीचे रहेगा दिस इज एट बाय एलेवन सो एट बाय एलेवन विल बी द फाइनल आंसर इससे ज़्यादा कुछ लाने की जरूरत नहीं है बच्चों ओके तो ये तीन प्रॉब्लम मैंने आपको पढ़ाए आज इसी के ऊपर मैं दो प्रॉब्लम आपको दूंगा और वो आप जरूर ट्राई करोगे ठीक है ओके अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना तो भी ये गायब करवा देता हूँ इफ कॉस ए इक्वल टू साइन बी इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री ए ग्रेटर दैन पाए बाई टू लेस दैन पाए एंड बी ग्रेटर दैन पाए लेस दैन थ्री पाए बाय टू तो हमें करना है फाइंड क्या टेन ए प्लस टेन बी अपॉन टेन ए माइनस टेन बी ओके सो ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम नाव लेडर से द सेकेंड प्रॉब्लम सेकेंड प्रॉब्लम भी आप ट्राई करोगे दो प्रॉब्लम देता हूँ मैं बच्चों आपको दोनों के दोनों आप ट्राई करो जरूर ओके ओके इफ फाइव टाने इक्वल टू रूट सेवन फाइव टाने इक्वल टू रूट सेवन ओके एंगल ए ग्रेटर दैन पाए लेस दैन है थ्री पाए बाई टू ओके कौन सा क्वारर है थर्ड क्वारर है ये फिर सेक बी की वैल्यू दी है सेक बी इज इक्वल टू रूट ऑफ़ इलेवन दिया है एंड एंगल बी ग्रेटर दैन थ्री पाई बाई टू लेस दैन टू पाई यानी कि डिरेक्टली फोर्थ क्वार्टर में दिया है एंगल बी तो हमें फाइंड करना है कोसे के माइनस क्वार बी की वैल्यू कोसे के माइनस कॉड बी की वैल्यू कोसे के माइनस क्वार बी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है बस आज जो मैंने तीन प्रॉब्लम आपको पढ़ा है बच्चों इसी के ऊपर ये दो प्रॉब्लम है जरूर ट्राई करना और अगर कोई दिक्कत होगी आपको यू कैन आस्क मी अगेन ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए जय हिंद